स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल पर तो आज बात करेंगे कक्षा ट्वेल्थ का सिंधु घाटी सभ्यता जिस जिस चैप्टर से हर बार दो चार नंबर ऑब्जेक्टिव पूछता ही पूछता है बिहार बोर्ड में तथा तो यह चैप्टर जो है अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है ठीक है तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम जानते हैं इसका अन्य नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता भी है तो इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव जो है ट्वेल्थ uh, के साथ साथ कक्षा ट्वेल्थ के जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसके अलावा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे बी पी एस सी यूपीएससी बी पी एस सी यू पी एस सी एंड और और uh, अन्य स्टेट का एक्षाम, पी एस सी एग्ज़ाम पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम पी एस सी एग्ज़ाम है जो है बहुत सारा पूछा जा चुका है और इस चैप्टर से बहुत सारा पूछता भी ऑब्जेक्टिव है ध्यान देंगे आज इसका एक एक ऑब्जेक्टिव का अच्छे से विश्लेषण करेंगे तो ध्यान देना पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक जो है वह किसे कहा जाता है ध्यान देना अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है तो अलेक्जेंडर कनिंगम को ठीक है फिर आगे क्या रहा है कि पुरातत्विक स्थल संगोल स्थित है पुरातत्विक स्थल संगोल जो है वो कहाँ स्थित है तो वह जो है वो पंजाब में स्थित है कहाँ है पंजाब में स्थित है ठीक है फिर आगे है सिंधु घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था या फिर दूसरा कह रहा है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे उपयुक्त में से कौन से या कौन से कथन सही है मतलब क्या कह ऊपर में जो दिया हुआ है ये दो कथनों में से कौन से एक सही है ध्यान देना इसका ए और बी दोनों जो है वह सही है मतलब उस काल में जो है कपास के भी वस्त्र वस्त्र बनाए जाते थे ठीक है और उस यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता से थी ठीक है उसके बाद जो है चौथा तो क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से या फिर कौन सा लक्षण सिद्धू सभ्यता के लोगों को लोगों का सही चित्रण करता है मतलब क्या कर रहा है कि घाटी सभ्यता का जो जो लोग था उसका क्या चित्रण था इनमें चारों ऑप्शन में से कौन सही है है ना तो ध्यान देना उन उनके विशाल महल और मंदिर होते थे वे दूसरा ऑप्शन है वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे तीसरा है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे है ना एंड आगे जो है ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन क्या कह रहा है पहला जो है केवल ए कर दो दूसरा है केवल टू तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन एक दो तीन चौथा ऑप्शन है उपयुक्त क्वेश्चनों में से कोई नहीं तो इसका आंसर जो है केवल दो वे देवी देवी और देवताओं दो दोनों के क्या कर करते थे वो पूजा करते थे याद ध्यान देना जितनी अभी ऑब्जेक्टिव जो है अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वह पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो एम में पूछ लिया जी एस प्री में है ना जी सॉरी जी नहीं जी जी के जी ये सोता है ना तो उसे पूछ लिया हुआ है दूसरा का जो है यू पी पी फॉरेस्ट यहाँ ध्यान दे दे सकते हैं कंजर वेटर एग्जाम फिर नेक्स्ट जो है वह आई एस भी पूछ लिया हुआ है जो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं है ना देवी देवताओं के दोनों की पूजा करता था आई एस एग्जाम आई ए एस पी में एंड एम पी पी एस सी में भी यह क्वेश्चन जो है वह पूछ चुका है ध्यान देना आगे अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए पहला जो है करा बैल हाथी तीसरा है गेंडा और चौथा जो है उपयुक्त में से ध्यान देना यहाँ उपयुक्त में से किस पशु या फिर किन पशुओं ने आकृति या आकृतियों सिंधु मुद्रा पर पाई जाती है मतलब क्या करा है कि सिंधु मुद्रा पर जो है किस जानवर का जो है वो आकृति पाया जाता है तो पहला ऑप्शन जो है वो बैल है हाथी है गेंदा है किसका ध्यान देना यह क्वेश्चन जो है यह क्वेश्चन आई एस प्री में वो पूछ चुका है है ना आई एस के एग्जाम में जो है प्री टेस्ट में इसका पूछ चुका है ध्यान देना इसका जो आंसर हो जाएगा वह वन टू थ्री डी हो जाएगा तीनों ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि बैल का भी चित्र था हाथी का भी था और गेंडा का तीनों का था ठीक है इसका आंसर डी हो जाएगा फिर नेक्स्ट ध्यान देना सिद्धु सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे पहला जो है वो ऑप्शन दे रहा है बाघ अज अश्व शेर किससे परिचित नहीं था तो से जो है वह परिचित नहीं था बाकी शेर से था बाघ से था अश्व मतलब घोड़ा से था ठीक है इसका आंसर जो हो जाएगा ये है ना बी फिर आगे क्या कह रहा है ध्यान देना सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अधिक अभिप्राय निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन है तो इसका ऑप्शन जो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा गज है विरसब है गेंडा है एक श्रृंग पशु है तो इसका ऑप्शन जो जाएगा डी एक श्रृंग पशु फिर से क्वेश्चन ध्यान देना क्या कर रहा है संधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है तो वह उसका आंसर जो हो जाएगा वह एक श्रृंग पशु पशु जो है यू में जो है पूछ चुका है यूपीपीएससी में यह पूछ चुका है ठीक है फिर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था सिंधु सभ्यता का व्यापार किससे होता था तो ध्यान देना सिंधु सभ्यता का व्यापार जो है वह ईरान से होता था ठीक है उसका जो है रोम से होता था एंड राजस्थान से होता था मतलब कि इसका ऑप्शन जो जाएगा वह डी हो जाएगा ठीक है ईरान से रोम से और राजस्थान से होता था अफगानिस्तान से नहीं होता था इसका ऑप्शन जो है वह डी हो जाएगा जो कि यह आई एस प्री में यह पूछ चुका है ध्यान देना जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं बहुत भी वी आई इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है अच्छे से आप लोग क्या करना उसको नोट्स बनाकर लिख लेना सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले खुदाई हुई थी ठीक है तो इसका ऑप्शन जो है वह ए हो जाएगा ठीक है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा फिर क्या कर रहा है सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है तो इसका आंसर जो हो जाएगा ध्यान देना आप लोग मोसो पोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कार्यक्रम से इसका इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह दो हो जाएगा ठीक है ऑप्शन जो है वह बी हो जाएगा देखिए ये भी आइए से पूछा हुआ है क्वेश्चन समय सिंधु सिंधु सभ्यता में निम्न में कौन सी चीज़ें पाई गई है ध्यान देना सिंधु सभ्यता जो आप अगर आप लोग पढ़िएगा अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इसका जल्द ही वीडियो हम आपको डाल देंगे सिंधु सभ्यता के बारे में ठीक है तो सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें पाई गई है ध्यान देना तो वो था अन्नागार पाया गया था दो मंजिला भवन पाया गया था एंड स्नानागार पाया गया था ठीक न इसके अलावा यहाँ मृतको घटीला मृतको घटीला कैसे बोलते हैं तो मोहनजोदरो मोहन जोधरो है ना मोहन जोधरो जो दोनों एक जगह है शहर है हड़प्पा सभ्यता का ही सिंधु सभ्यता का ही शहर है जहाँ पर जिसको मृतकों का टेला भी कहते हैं ठीक है ध्यान देना यह आई एस एग्जाम में पूछ चुका है फिर तेरहवा क्वेश्चन क्या करा है कि सैंधव सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वह आर्यों का आक्रमण था हालांकि बाढ़ से भी हुआ था और पतन ले सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है तो आर्यों का आक्रमण है फिर क्या कह रहा है सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणक भारत के हैं मतलब क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणक भार के है तो सोलह गुणज भार का है इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह सी हो जाएगा जो कि यहाँ ऑप्शन में पहले से ही दे रखा है सिंधु सभ्यता संबंधित किससे है तो सिंधु सभ्यता संबंधित जो है वह आद्य ऐतिहासिक युग से है ठीक है आद्य ऐतिहासिक युग से है ऑप्शन सी हो जाएगा सॉरी बी हो जाएगा इसका फिर क्या कह रहा है सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है तो इसका स्थान जो है वह अभी हड़प्पा जो है वह कहाँ है पाकिस्तान में पड़ता है ठीक है हम लोग पढ़ेंगे लोथल किस जगह पे है और काली बंगान किस जगह पे हरप्पा किस जगह पे है ध्यान देना तो आपको बता देते हैं काली बंगान कहा है? और कहाँ है एंड काली बंगान जो कहाँ है और लोथल कहाँ है ध्यान तो ध्यान देना यहाँ पर आ, कौन सी क्वेश्चन हम लोग थे तो <coughs> ध्यान देना यहाँ काली बंगा जो है वह राजस्थान में है राजस्थान में है ठीक है सॉरी ऐसे नहीं लिखाएगा ये आ, राजस्थान राजस्थान में है कालीबंगन जो है वह राजस्थान में है और लोथल जो है वह गुजरात में है लोथल जो है ये गुजरात में है और हड़प्पा जो है वह पाकिस्तान में ध्यान देना सिंधु घाटी सभ्यता का, का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो हड़प्पा जो है हरप्पा नगर जो कहाँ है पाकिस्तान में है फिर क्या रहा है अन्य सत्रहवा नंबर क्वेश्चन क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई क्या है तो वहाँ जो पाई गई थी नवरों का अवशेष पाया गया था ध्यान देना जब जब एक इंजीनियर था और वहाँ पे हर सिंधु घाटी सभ्यता के बगल में जब वो रेल बिछाने का काम कर रहा था है ना तब उसको मतलब ईंटे की कुछ ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने वहाँ के ग्रामीणों को वहाँ से मांग के जो कि आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा है ना तो जब ईंटा का जब मांग हुआ तो वह उस गया ईटा लेने के लिए तो अगर बगल में देखा कि कोई चिमनी वगैरह नहीं है तो वहाँ के ग्रामीणों से जब जब मांग किया तो ग्रामीण ने बताया है कि यहाँ जो है यहाँ के जो मातृदेवी है वो मुझे ईटा प्रदान करता है आपको नहीं यकीन तो खनिया वहाँ पर खाना तो देखा क्या बहुत सारे जो है उसको ईटा मिलना शुरू हो गया था तो है ना तो बाद में जब उसको पुरातत्व विभाग वाले आए और उसको जब खनाई किए है ना तो वहाँ मालूम चला क्या कि वो एक बड़ा सा यहाँ पे नगर है तो ध्यान देना सिंधु घाटी सभ्यता का जानने का मूल स्रोत क्या है तो नगरों का जो है वह अवशेष है ठीक है फिर क्या करा है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है तो सिंधु सभ्यता जो है वो किस युग के अंतर्गत आता है तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है फिर अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि क्योंकि इनके पास विकसित शहर शहरी जीवन की सुविधाएं थी यही बात सही है ठीक है इनके पास चित्रलेखी लिपि थी ये बात सही है इसके पास लोहे और अक्षर अच्छा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था ये बात सही है मतलब कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वह ग्रुप डी हो जाएगा फिर क्या कर सॉरी आंसर डी इसका डी हो जाएगा फिर बीसवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है तो ये ये लोग जो है वो लोहे से अपरिचित सॉरी लोहे से परिचित थे यह बात जो है वह असत्य लोहे से वो लोग अपरिचित थे वो जानते वानते नहीं थे लेकिन यहाँ पे जो दिया ऑप्शन से परिचित थे ठीक है ये गलत है डी ऑप्शन इसका हो जाएगा जो कि कब पूछा हुआ है यूपी पी सी पूछा हुआ है प्री में फिर आगे क्या करा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है तो ध्यान देना इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वह ब्रुज होम जो है वह इससे संबंधित नहीं है ठीक है फिर निम्नलिखित साक्षी से प्रकट हुआ है कि सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित है ध्यान देना सिंधु सभ्यता जो है किससे संबंधित था तो वह इराक से संबंधित था ठीक है सिंधु सभ्यता जाने जाती है सिंधु सभ्यता किस लिए जानी जाती है तो वह जो है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है बात सही है और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए ये तो सही है मोहनजोदड़ो जो है वहाँ एक शहर था जिसको मिटकों का टीला कहते हैं है ना मिटकों का टीला क्यों कहते हैं आपको बताया जाएगा ठीक ना तो जब वहाँ पे खनन किया गया था तो वहाँ पे मृतकों का वो मिला था मतलब कि अस्थि वगैरह सब मिला शुरू हुआ था तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे जो है शमशान घाट वगैरह यहाँ पे था ठीक है तो यही बात सही है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी इसे मतलब और चौथा जो अपने उद्योगों के लिए नीचे दिए गए कुटुंब में से सही उत्तर का चयन कीजिए मतलब ये जो है इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा सब इसका है ठीक है डी हो जाएगा इसका आंसर जो कि उत्तराखंड यू डी ए पी में पूछा हुआ था चौबीस नंबर कह रहा है क्या में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता किस से संबंधित स्थल नहीं है तो सिंधु घाटी सभ्यता से कौन नहीं है तो ध्यान देना ये जो है ये काली बंगन तो है ये है लोथल भी है ये रोपड़ भी है ये पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र नहीं है मतलब पटना जो है वो नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत इस इसका जो आकार था ना वो त्रिभुजाकार था ध्यान देना त्रिभुजाकार था ठीक है आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस तरह था तो वो त्रिभुजाकार था त्रिभुज में त्रिभुजाकार में कौन कौन क्षेत्र आता था तो मध्य प्रदेश का कुछ भाग उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग इधर हो गया गुजरात ठीक है राजस्थान हो गया गुजरात हो गया पाकिस्तान वगैरह सब जो है वो इसके अंतर्गत आता था पंजाब वगैरह जो है इसके क्षेत्र में पंजाब का हल्का क्षेत्र था ये ठीक है तो त्रिभुजाकार था ठीक है फिर क्या करें हैं निम्न से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मोसोटोपिया मो, मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध है तो जो कौन सा चित्र था मिला था वह है वह बैल का चित्र मिला था ठीक है चलिए तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया हो अगर आप कक्षा ट्वेल्थ स्टूडेंट हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ठीक है और इससे जो है आपका एग्ज़ाम का तैयारी होगा ही साथ में अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी बीपीएससी एंड पीएससी है ना पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर रेलवे वगैरह का जो भी जीके जीएस जी एस जो है वह इस चैप्टर से अधिक पूछा जाता है इस चैप्टर को है ना अच्छे से अब लोग पढ़ें चलिए तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अधिक से अधिक से इसका जो है वो शेयर करें धन्यवाद